हर प्रकार से नादान थे तुम, गीली मिट्टी के समान थे तुम। आकार देकर तुम्हें गड़ा बना दिया, आज अपने पैरों पर तुम्हें खड़ा कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज वीडियो बनाने का दिल तो नहीं चाह रहा था कई दिनों से, बस ये थोड़ा सा महसूस होता है कि लोग जुड़े हुए हैं, मौसम के हिसाब से खेल पानी देना ज़रूरी है, क्योंकि जो नए खिलाड़ी हैं, नए लोग हैं, उनको बहुत ज़रूरत है कि मौसम के हिसाब से कोई खेल दिया जाए बना के। तो आज मैं आपको बाजरे का खेल बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको बाजरे का खेल देना है, क्योंकि मौसम जो है वो गर्मी का है, गर्मी शुरू हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपने पानी डाल लेना है आधा लीटर कुंडी के अंदर। उसके बाद आपने ये पत्थर रख लेना है, जिस तरह से मैं आपको इस पत्थर पे सामान बताता हूँ घिसने का, जड़ी बूटियाँ बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने ये 50 कबूतरों का खेल है, ये फरवरी का महीना है और पूरे फरवरी आप लगा सकते हैं इसको। तो 4 दखनी मिर्च लेनी है, ये हैंगी दखनी मिर्च, और आप देखना ध्यान से किस तरह से ये खेल बनेगा। और आपने 4 दखनी मिर्चों को किसी पत्थर की मदद से रगड़ लेना है, बिल्कुल बारीक। उसके बाद आपने काली मिर्च लेनी है 4 इस तरह की, ये भी रख लेनी है आपने। मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बने, अच्छी तरह बहुत बारीक करके, तब तक बारीक करेंगे जब तक महसूस होना बंद हो जाएगा इसमें। ये बारीक हो चुकी हैं, ये पानी में मिला देंगे। उसके बाद दोस्तों ये मुलेठी लेनी है, कबूतर बहुत शानदार उड़ेगा, इसके आपने 40 से 50 हिस्से ले लेने हैं मुलेठी के, इस तरह से हल्के हाथ से, और 50 से 40 हिस्से हो जाएं इसमें। ये 50 कबूतरों का खेल है बाजरे का, और पूरे फरवरी आप लगा सकते हैं इसे। कबूतर की जो चोंच फट रही हैं वो नहीं फटने की हैं। ये मुलेठी हो गई, काली मिर्च दखनी मिर्च हो गई। अब आपने लेनी है हरड़, हरड़ के भी आपने 20 हिस्से लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने, 20 हिस्से ओनली, बहुत हल्के हाथ से। हल्के हाथ से लेना आप, ये 20 हिस्से पूरे हो चुके हैं। अब दोस्तों आपने करना क्या है, यही बात जो है वो ध्यान देने वाली है, गौर करने वाली है कि आपने करना क्या है जिससे कि आपका कबूतर अच्छा उड़े और चोंचे ना फाड़े, सीने कुंदे उसके सही हों, उड़ान उसकी सही हो। क्योंकि आप शौक़ करते हैं तो वो अच्छी उड़ान के लिए ही करते हैं कि आपका कबूतर अच्छा उड़े,
उसमें हम आपको पूरा सहयोग देते हैं, पूरी मदद करते हैं आपकी। तो आपने करना क्या है, आपने ये बाजरा है ये लेना है आपने 200 या 250 ग्राम बाजरा। ये 200-250 ग्राम बाजरा आपने इस पानी के अंदर मिक्स कर देना है। 200-250 ग्राम बाजरा इस पानी के अंदर मिक्स कर देंगे आप और 4 घंटे तक भीगा रहेगा इसके अंदर। 4 घंटे भिगोने के बाद आपने वो बाजरा निकाल लेना है। जब आप उड़ान करेंगे तो वो बाजरा आप निकाल लेंगे और पानी को बिल्कुल साफ़ सुथरा छोड़ देंगे। जो भी पानी बचा हुआ होगा इसके अंदर उसमें और थोड़ा सा पानी मिला के, यानी कि इतना पानी मिला लेंगे आप जितने के आपके कबूतर पी लेंगे पानी, ठीक है। वो पानी मिला के आप फेंकना नहीं है उस पानी को। उस पानी को जब आप दाना पानी कर देंगे कबूतर का, तो उस पानी को आप कबूतरों को आगे रख देंगे। कोई भी चीज़ आपने फेंकनी नहीं है। तो ये बाजरे के अंदर भी जो गर्मी है वो बाजरे की निकल जाएगी और बाजरा भी ठंडा हो जाएगा आपका, पानी भी ठंडा हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएंगी आपकी। ये कबूतरों को आगे रख देना। तो दोस्तों चलते हैं अगली वीडियो के साथ, फिर मुलाकात होगी। तो हमें याद रखना, खुदा हाफिज़।